प्राप्त कर देता है। तो हनुमान जी अब आकाश मार्ग से हुए हैं और इतनी तेजी से जो उड़े हैं तो पीछे बहुत से वृक्ष उखड़ के उनके पीछे उस हवा के साथ गए हैं, और जिस मार्ग से गए हैं कि रुद्र मार्ग है। आकाश मार्ग में कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जिनमें देवता ही चलते हैं। एक निर्जल एकादशी को हम हिमालय में गए थे, लेंसडाउन नाम का एक स्थान है, आर्मी का बड़ा बेस है, ऊपर 4,500-5,000 फुट पे। तो हम एक आर्मी के बंगले में रहे थे, वहां सामने एक बोर्ड लगा हुआ था कि लाल लेंसडाउन यहाँ जब रह रहे थे तो ये बिल्डिंग का दूसरा महला बना रहे थे, तो कुछ रात को उसको सौंपन में कहा गया कि देखो ये ऊपर बिल्डिंग मत बनाओ, यहाँ से हमारा बद्रीनाथ जाने का रास्ता है, देवताओं ने कहा तो ये मत बनाना, हमारा रास्ता रुक जाएगा। तो उसको तो समझ में आया नहीं, उसने दूसरा माला बनाना शुरू किया तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, उसने काम बीच में छोड़ दिया। और वो भवन जो बनाया था वो लिखा है उधर प्लेक के ऊपर अंग्रेजी में कि उन्होंने आर्मी की मेडिकल विंग को वो जगह में छोड़ के दे दी। तो ये जो कुछ ऊपर से रास्ते होते हैं जो देवताओं के जाने के रास्ते होते हैं वो आकाश मार्ग से जाते हैं। तो हनुमान जी उस मार्ग से आगे आकाश में, और बहुत बड़ा विक्रम, ऐसे दोनों हाथ बड़े लंबे से आगे हैं और आकाश में उड़ रहे हैं। अब हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? सीता को खोजने। सीता असल में भक्ति देने वाली है, वो भक्ति दायिनी है। हम भी हरे कृष्णा मंत्र में जब हरे शब्द कहते हैं तो राम जी के भक्त हैं, तो हरे का अर्थ सीता हो जाएगा। अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तो हरे का अर्थ राधा हो जाएगा, और नारायण की उपासना करेंगे तो हरे का अर्थ लक्ष्मी हो जाएगा। तो हरे भक्ति प्रदायिनी है, उससे हम भगवान की सेवा या भक्ति मानते हैं। तो इसका मतलब हनुमान भक्ति को पाने के लिए जा रहा था, उसको पाने जा रहा था। और जो ये रास्ता है ये साधना है हमारी, हनुमान भक्त है, भक्ति को पाने जा रहे हैं, तो साधना रास्ते में करने जा रहे हैं। तो ये साधना में हमारी क्या क्या रुकावटें आती है ये हनुमान की इस यात्रा से हमको सीखनी। पहले तो देवताओं ने देखा कि ये पवन सुत बड़े वेग से जा रहा है, इसके बल की परीक्षा लेनी चाहिए कि बल है कि नहीं, बल का पता लगाना चाहिए। तो समुद्र, वैसे तो समुद्र पानी का सागर है, लेकिन समुद्र का देवता भी है, और समुद्र का एक नाम है सागर, और सागर नाम इसका महाराज सगर से पीछे पड़ा। सगर महाराज सूर्यवंश के एक राजा हुए हैं जिनके पुत्रों ने गंगा को धरती के ऊपर लाए, भागीरथ उनके वंश में चौथी पीढ़ी में भागीरथ, तीसरी पीढ़ी में भागीरथ आता है। तो सगर का नाम सागर से आया है, आज सागर कहता है सगर वंश में, सूर्य वंश में श्री राम की सेवा में जाते हुए हनुमान की सेवा करने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो अपने अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मीनाक पर्वत, उसको कहा कि तुम ऐसे पवन सुत के लिए जरा समुद्र से बाहर निकल के विश्राम के लिए स्थान बना लो, और कुछ फल फूल की व्यवस्था करो ताकि वो बैठ के कुछ खा ले। तो मीनाक पर्वत पहले पर्वत के रूप में बाहर निकला। हनुमान जी इतने वेग से जा रहे थे उनकी छाती जाके उनसे टकराई और वो पर्वत नीचे चला गया। हनुमान थोड़े रुके और तब तक मीनाक पहाड़ मानव के रूप में प्रकट हुए, और हनुमान को कहा कि पहले तो समुद्र देवता ने मुझे आपकी सेवा के लिए कहा है सगर वंश में, हनुमान जी आप राम जी की सेवा करने जा रहे हैं, और दूसरा आपके पिता वायुदेव का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, जब वो इंद्र वज्र से सब पर्वतों के पर काट रहा था तब आपके पिता ने मेरे को समुद्र में सुरक्षित रखा था, आज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप कुछ विश्राम कर लो, बहुत लंबा सफर है, और कुछ फल खा लो। तो हनुमान जी ने हाथ लगाया, नमस्कार किया कि आपका आतिथ्य स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं राम के काम में विश्राम नहीं कर सकता। राम कामा नहीं विश्रामा, राम के काम में विश्राम नहीं किया जा सकता। ये भक्त के भक्ति को पाने के साधन में पहली बाधा है
कि हम जब भक्ति करने लगते हैं तो कई पड़ाव ऐसे जाते हैं जहां हमको थोड़ा सा रुकने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, थोड़ा रुक जाइए, कुछ खा पी लीजिए। तो भक्ति में अगर रुक गए और बैठ गए तो भक्ति की प्राप्ति में रुकावट आ जाएगी। काम सिद्ध नहीं हो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी को यहाँ रोका, रोकने का प्रयास किया गया, बहुत अच्छा वातावरण बनाया, फल फूल सजाए गए, लेकिन हनुमान जी ने आदर किया लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। तो ये भोग है एक प्रकार का, भोग के कारण ही हम भक्ति योग को छोड़ते हैं। दुनिया में भाई कुछ भोग में लगते हैं तब भक्ति छूटती है ना। तो ये भोग पहली रुकावट है जब आती है रास्ते में, तो हनुमान जी ने उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की? त्याग से, अपने काम को पूरा करने के लिए त्याग की वृत्ति जीवन में पक्की तरह से होनी चाहिए। इसको कहते हैं कि आलस, थोड़ा सा आलस हो जाता है, बाद में करेंगे, खा लें, कौन सी देर है। तो ये आलस कभी भक्ति के रास्ते में नहीं करना चाहिए। रोज का नेम से भगवान का नाम जपना है तो रोज जपना चाहिए, उसमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। और वैसे हम देखते हैं, हम भक्ति करने लगते हैं तो थोड़े से हरे कृष्ण जपते हैं, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगाते हैं, चुटिया रखते हैं, तो लोग कहते हैं महाराज आइए थोड़ा सा जलपान कर लीजिए, घर में बुलाते हैं, अच्छा सा बहुत सुंदर पदार्थ पका के खिलाते हैं, फिर कहते हैं कुछ दान दक्षिणा ले लो। अगर उसी को जीवन का लक्ष्य बना लिया तो भक्ति नहीं मिलेगी। अगर उसी के लिए काम करना दिमाग में रख लिया कि बस हमारा काम हो गया, अब तो सब जगह सम्मान मिल रहा है कुछ पार, तो उसमें अटक गए तो भक्ति बहुत दूर रह जाएगी। इसलिए हम भक्तों को विशेष रूप से, अपने जो भक्त है बाहर जाते हैं इस तरीके से लोग सम्मान से बुलाते हैं, जाना चाहिए वहां, उनको संग देने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वहां जाके उनका प्रसाद जो देते हैं उपहार लेने से पहले उनको कुछ देना चाहिए। इसलिए वहां जाके पहले, और नहीं तो भगवान का नाम उदारता से लेके उनको दे दिया करो, कुछ हरी कथा उनको सुना लिया करो, उसके बाद उनकी चीज को ग्रहण करो। जिसको कहते हैं ददाति प्रतिगृहति, ये भक्ति में कुछ पहले देना चाहिए फिर लेना चाहिए। तो भक्ति में ये रुकावट है, इससे बचना चाहिए। हनुमान जी ने यहाँ पहली रुकावट को पार किया। देवताओं ने कहा बल तो बहुत है, इस ठगेगा नहीं, लेकिन बुद्धि भी है कि नहीं है? केवल बल हो, बुद्धि नहीं हो तो बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को देवताओं ने भेजा, और सुरसा हनुमान के सामने ऐसे खड़ी हो गई आके, कहा ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, मेरे रास्ते में जो आता है उसको मेरे मुख में जाना पड़ता है, तो मेरे मुंह में आ जाओ। हनुमान का मां देखो राम जी के काम में जाता हूँ, सीता का पता लगा के राम जी को सुना के फिर आपके पास आ जाऊंगा, पर ऐसे कौन मौत के मुंह में आएगा, अभी इसी वक्त मेरे मुंह में आओ। मात जी मेरे को राम के काम में जाने दीजिए, मैं आपके मुंह में आ जाऊंगा। बोला नहीं हो सकता है ऐसे। तो हनुमान जी कह रहे मैं बहुत बड़ा हूं तो आपका मुंह बहुत छोटा है, इसके अंदर कैसे जाऊंगा? उसने कहा मैं मुंह बढ़ा दूंगा, उसने मुंह बढ़ा दिया, 10 योजन कर दिया हनुमान, 20 योजन हो गए, उसने 40 कर दिया हनुमान, 60 हो गए, और उसने जब 100 योजन किया तब हनुमान छोटे से बन के उसके मुख में जाके बाहर निकल आए। कहा अब आपके ब्रह्मा जी का वचन पूरा हो गया, मुख में जाना था ना, मैं जाके आया। सुरसा बड़ी प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो तो शत्रु तो थी नहीं, परीक्षा लेने आई थी, और देवता भी बड़े प्रसन्न हो गए, ये बुद्धिमान है, बल नहीं है, बुद्धि भी साथ में है, ये बुद्धिमता वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में वर्षा श्रेष्ठ है, ये दूसरी बाधा है। वैसे सुरस का दूसरा अर्थ क्या है? सु का मतलब अच्छा, रस का मतलब कोई चीज अच्छी लगने लगे, और उसको खाने में आदमी और खाना और खाना और खाना करता रहे, तो एक सुरसा का ये अर्थ है, और दूसरा सुरसा का अर्थ है जो ये प्रसंग है, इस प्रसंग में ऐसे इसका अर्थ निकलता है कि साधन के अंदर भक्ति के साधन के अंदर एक बहुत बड़ी दूसरी रुकावट है, वो है अहंकार की।
बड़ापने बड़पने की। वो कहती है मैं बड़ी हूं, बोलते नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं, नहीं मैं बड़ा हूं। ये बड़े बड़ाई की कॉम्पिटिशन में अगर हम आ जाएंगे तो हमारी भक्ति जो हमारा लक्ष्य है वो हम पा नहीं पाएंगे, वो हमको नहीं मिल पाएगी। जैसे हम अपने भक्तों में देखते हो, कहते मैं 10 साल से भक्ति कर रहा हूँ, नहीं तुम तो 15 साल से मैं कर रहा हूँ, भाई कर क्या रहे हो, भगवान मिला के नहीं मिला, 15 या 25 साल हो गया क्या, आपका मकसद पूरा हो गया क्या। तो ये जो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन है झूठे अहंकार के कारण, ये भक्ति में बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा हूं कि मैं बड़ा हूं, मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूं। तो हनुमान ने देखा क्या मैं इसके साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए इतना बड़ा संयोजन का समुद्र लांघ के जा रहा हूं कि मैं इससे बड़ा होकर दिखाऊं, ये तो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो सीता को ढूंढना है, मैं यह टाइम खराब क्यों करूं। तो क्या करना चाहिए, निम्रता। जब अहंकार, झूठा अहंकार हमारी भक्ति में बाधा बने तो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए निम्रता, हम्बलनेस, छोटा बनना चाहिए। हनुमान जी छोटे बन गए। एक हमारा मित्र महात्मा कहता था, देखो छोटा कोई होता है ना तो उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, कोई उसकी सहायता करके उसको पार ले जाएगा। वो उदाहरण क्या देते थे, देखो छोटी सी चींटी होती है ना, वो अगर प्रसाद में यहाँ से मैं ले जाऊं मिठाई, उसमें चींटी बैठ जाए तो बगैर यहाँ से वीजा के टिकट के सीधी वृंदावन जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वृंदावन पहुंच जाएगी, तो बिना बिना मेहनत के वृंदावन चली जाएगी। छोटी है तो ना, बड़ा होगा तो नहीं जाएगा। तो छोटा जो बनता है, इसलिए चेतना महाप्रभु ने जब प्रकाशानंद सरस्वती जो बहुत बड़े विद्वान थे उसको उसके पास गए तो बड़ी तर्क वितर्क से उसको नहीं हराया, लेकिन निम्रता से जाके जूतों के पास बैठे। तो निम्रता से दूसरे का हृदय पिघल गया कि नहीं ये तो बड़ा महात्मा है, चमक रहे। तो निम्रता जो है ये भक्त का सबसे बड़ा आभूषण है, ऑर्नामेंट है। इसलिए चेतना महाप्रभु का ये श्लोक, भक्तों को कंठहार करके रखना चाहिए, गले में बांध के रखना चाहिए। कौन सा, तृणादपि सुनिश्चेन तरोरपि सही श्लोक अमानी नमानदेन कीर्तन्य सदा हरि। तो हरि का कीर्तन अहंकार, ये झूठा अहंकार ही जीवन में हमारे बंधन का कारण है। असल में इसको गांठ बोलते हैं, हृदय में गांठ क्या है, असल में अहंकार है। अहंकार आता कहां से, अविद्या से। देखो बहुत से धर्मों के अंदर कहता है पाप से बचना चाहिए, पाप से निवृत्ति के लिए सब धर्म कहते हैं, लेकिन पाप होता क्यों है, पाप का कारण क्या है। देखो दुख से बचना चाहिए, पहले सबका इच्छा क्या है, दुख से बचना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है दुख आता क्यों है, बोला पाप के कारण, तो पाप से बचना चाहिए। बोला पाप होता क्यों है, तो श्री रूप गोस्वामी क्लेश घनी, भक्ति क्या करती है, क्लेश घनी है, क्लेश को नाश कर देती है, तत्काल ही नाश कर देती है, साधन की अवस्था में ही नाश कर देती है। तो बोला क्लेश है क्या, बोला क्लेश दुख है। बोला कहां से आता है, पाप से आता है। पाप कहां से आता है, तो पाप के आने के जब बीज जो है पाप का, वो है भोग की इच्छाएं। भोग की इच्छाएं कहां से उत्पन्न होती है, अविद्या से। किस बात की अविद्या, कौन सा इग्नोरेंस, कौन सी अज्ञानता। अरे जब भगवान कह रहे हैं सीना ठोक के भोक्तारं यज्ञ, तो मैं हूं भोक्ता, भगवान कहते हैं मैं भोगने वाला हूं, कहते नहीं हम भी भोगना चाहते हैं, तो ये अविद्या हुई कि नहीं हुई, ये अज्ञानता है कि नहीं। जब भगवान कहते हैं मैं भोगता हूं तो हमको कहना चाहिए आप भोगिए, हमको सुख आनंद लीजिए, तो हम भी सुख लेंगे, आप भी सुख लो। तो एक कॉम्पिटिशन, अविद्या कॉम्पिटिशन में हमको ले जाती है, और जब हम अविद्या से बच जाते हैं तो कोऑपरेशन के रास्ते पे चलते हैं। सुनना था मैं अभी एक कथा ब्रह्मांड पुराण में, एक व्यक्ति ब्राह्मण बहुत बड़ा नेम से जप करने वाला था, गायत्री करने वाला था, टाइम से उठने वाला था। तो एक दिन टाइम से उठ नहीं रहा था, तो किसी ने उठाया आगे, तो बड़ा खुश हो गया कि भाई तो टाइम से उठाया, मेरा तो नेम टूट जाता
तो उसने पूछा कौन है आप उठाने वाले, बोले मैं कलयुग हूँ। बोला कलयुग और मेरे को भक्ति के लिए भगवान का नाम जपने के लिए उठा रहे हो, आपको क्या हो गया, मन बदल गया है क्या? बोला नहीं, अगर आपको नहीं उठाता तो सुबह उठ के आपको गिलानी होती, बड़ा दुख होता, नहीं मैं आज उठा क्यों नहीं, आप हम्बल हो जाते, और आप हम्बल हो जाते तो भक्ति में आगे बढ़ जाते। मैं नहीं चाहता था कि आप भक्ति में आगे बढ़े, इसलिए आपको उठाया है ताकि आप अहंकार बना रहे। तो ये जो अहंकार बना रहे इससे छूटना बहुत मुश्किल है, ये हृदय की ग्रंथि है, अहंकार जो है हृदय की ग्रंथि है, ये केवल निम्रता से जाता है। और गुरु का काम एक ये, गुरु का मुख्य काम है हमारे अहंकार को बार बार चोट मारना। जब तक चोट नहीं मारेगा तब तक हम हम्बुल नहीं होंगे, जब तक हम्बुल नहीं होंगे, अब इसमें यहाँ तो डॉक्टर कम है, हमारे डॉक्टरी में एक भाषा है कि डिफिकल्ट लेबर किसको कहते हैं, कब बच्चे का जन्म नेचुरली नहीं होता है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करनी पड़ती है, कब? बोला नॉर्मली भगवान ने नेम से बच्चे के सर को, ये जो ठोड़ी है ना उसका हाथ ऐसे होता है माँ के गर्भ में, और ये थोड़ी छाती से लगी होती है, ऐसे हाथ होते हैं, जिस बच्चे के नेक ऐसे एक्सटेंड हो गया उसका नेचुरल कभी भी बर्थ नहीं हो सकता। नेक ऐसे होने का मतलब अहंकार जिसका हो गया वो संसार में आ नहीं सकता है और संसार से जा भी नहीं सकता, उसको बहुत बड़े हैवी ऑपरेशन की जरूरत। वो ऑपरेशन क्या करते हैं, उसकी गर्दन को मोड़ते हैं, तो गुरु जी क्या करते हैं, असल में गर्दन को मोड़ते हैं, तो उसको सीधा करते हैं तो भव सागर से पार हो जाते हैं। ये भव सागर से फिर पार होने में कोई देर नहीं लगती है। तो अहंकार मिटाने का एक ही रास्ता है, गुरुजनों के शरण में जाके निम्रता सीखनी चाहिए। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ हनुमान जी के इस प्रसंग से हमको मिलती है। हनुमान जी छोटे हो गए, सुर साहब आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम सफल हो जाओ, तो सुर साहब तो शत्रु तो थी नहीं, वो तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, हनुमान की बुद्धि की परीक्षा हो गई, देवता प्रसन्न हो गए और हनुमान आकाश मार्ग में उगने लगे और उड़ने लगे, आगे आगे की तरफ बढ़ने लगे। अब हनुमान की छाया कोई 80-120 योजन ऊपर से आकाश में जा रहे हैं, तो सूर्य ऊपर है तो उसकी छाया नीचे आ रही है, और अचानक हनुमान जी लगता है कि मेरा चलना बंद हो गया, मैं एक जगह अवरुद्ध हो गया हूँ, अटक गया हूँ, बात क्या है? नीचे देखते हैं तो एक बड़ी राक्षसी मुख खोला हुआ है और हनुमान की छाया को पकड़ा हुआ है, उसको कहते हैं छाया ग्रहणी, शेडो को पकड़ने वाली, उसका नाम था सिंहिका, सिंहिका नाम की राक्षसी थी जो छाया ग्रहण करके जो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को वहां से पकड़ के खा जाती थी, और उसने हनुमान जी का छाया को पकड़ लिया और हनुमान जी आगे बढ़ने पड़े, उसको नीचे खींच रही। हनुमान जी ने नीचे देखा, छोटे बन के उसके मुख के अंदर से अंदर चले गए उसके हृदय में जाकर, और अपने तेज नाखून से उसका हृदय चीर के फाड़ के उसको मार के धराशायी करके फिर आकाश में वापस उड़ने लगे। ये तीसरी बाधा भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरी तीसरी रुकावट आती है। छाया को पकड़ने का मतलब, छाया कैसी होती है, रंग में काली होती है, छाया हमारी काली होती है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ तो अवगुण होते हैं, जो अवगुण किसी का पकड़े और गुण को नहीं देखे इसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ईर्ष्यालु, दोष दृष्टि वाला, किसी में दोष देखे। देखो सब में गुण भी है और सब में कुछ न कुछ कमियां भी है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई कमी ना हो, भगवान को छोड़ के और कोई संसार में जो है हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग भी है, कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयां भी है। जो साधु पुरुष है वो गुणग्रही है, केवल गुण देखते। प्रभुपाद जी अमेरिका में गए तो उनको कोई चोटी रखे, धोती पहने, तिलक लगाए हुए लोग नहीं मिले थे, कि ब्राह्मण कोई आए थे शुद्ध स्नान करके, वो तो हिप्पी थे, नशे में मस्त मिले थे, लड़के लड़कियां साथ आधे कपड़े पहने हुए मिले थे, तो उनके अंदर प्रभुपाद ने गुण क्या देखा कि उनको सेवा की इच्छा है और भगवान का नाम लेने में रुचि रखते। उसके अवगुण हजारों थे लेकिन उनमें जो एक गुण था उसको प्रभुपाद ने पकड़ लिया। तो साधु तो केवल गुण देखता है,
अब और गुण देखता है, उस गुण को इतनी हवा देता है, वो छोटी चिंगारी गुण की होती है, उसको इतनी हवा देता है, इतनी हवा देती है कि वो बड़ी अग्नि हो जाती है, उसके अवगुण उसमें अपने आप जल जाते हैं और वो बहुत सुंदर लगने लगता है। तो ये साधु की परिभाषा है गुण देखना। अवगुण देखना ये बहुत, इसको कहते हैं अवगुण देखने को कहते हैं ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का मतलब दूसरे के अंदर केवल किसी की छाया से पकड़ के उसको गिराना चाहिए, उसमें अच्छाइयां है उसको नहीं देख रहा है, उसमें केवल बुराइयां को ढूंढे। और इन दुनिया में हमको बुराई ढूंढनी चाहिए अपने आप में, अच्छाई ढूंढनी चाहिए दूसरे में। ये साधु की परिभाषा है। अगर कोई कमी देखनी है तो अपने अंदर देखनी चाहिए, और अच्छाई देखनी है तो दूसरे पे देखनी चाहिए। इसको कहते हैं मधुमक्खी की तरह जीना। मधुमक्खी जो हनी बी है वो किसी भी पेड़ में जाएगी, उसके अंदर से मिठास रस निकालेगी, हनी निकालेगी। चाहे पेड़ नीम का है फिर भी हनी निकालना उसको आती है। तो हमारा जीवन मधुमक्खी की तरह हो, और हनी बनाने के बाद भी मधुमक्खी स्वयं हनी नहीं खाती है, हम उसको हनी मिलती है हमको आखिर में। तो ये जो भक्त लोग होते हैं ये सबके गुण देखते हैं और दूसरों को ही आगे बढ़ाते हैं, तो ये गुण ग्रही होना बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी मक्खी होती है जो कचरे के ऊपर बैठती है, मरे हुए मुर्दे के ऊपर बैठती है, वो मक्खी गंध के ऊपर बैठती है। तो हमारा जीवन मधुमक्खी जैसा होना चाहिए, सब में गुण देखना चाहिए, अवगुण नहीं देखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है जीवन में। तो यहाँ हनुमान जी ने ईर्ष्या को जड़ से निकाल दिया। ये ईर्ष्या जब तक हमारे अंदर रहेगी, भगवान भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन तुम ईर्ष्यालु नहीं हो इसलिए तुम्हारे को मैं भगवत गीता का ज्ञान दे रहा हूं। अनुसूय, अनुसूय, सूय कहते हैं ईर्ष्या को। सूय का मतलब दूसरे में दोष देखना, और अनुसूय का मतलब है दोष दृष्टि से रहित होना। और अनुसूय अत्री की पत्नी का नाम है। अत्री का अर्थ होता है तीनों गुणों से जो परे हो, अत्री त्रिगुण अतीत। और अनुसूया उसको कहते हैं जिसके अंदर किसी में दोष देखने का आदत हो ही नहीं। अत्री और अनुसूया ने भगवान को तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों अत्री और अनुसूया के पुत्र के रूप में प्रकट किया। और सीता राम लक्ष्मण अत्री और अनुसूया के आश्रम में खुद चल के गए अपने आप। तो अगर हमारे जीवन में अनुसूया आ जाएगी तो भगवान हमको मिलने में कोई देर नहीं होगी, बल्कि हमारी तत्काल हमको मिल जाएगी। अनुसूया होना दोष दृष्टि रहित होना चाहिए। दोष सब में है लेकिन उसको देखो नहीं। किसी के अंदर दोष देखने का अधिकार किसको है? जो सुधारना चाहे उसको। पिता को अपने पुत्र के अंदर कोई दोष है तो देख के उसको सुधारने का अधिकार है। गुरु को अपने शिष्य के अंदर दोष देख के सुधारने का अधिकार है। पति है पत्नी है एक दूसरे के अंदर अवगुण है तो उसको सुधारने, जहां सुधारना उद्देश्य है वहां देखने का अधिकार है, और जहां गिराना उद्देश्य है वो ईर्ष्या हो जाए। ऐसा नहीं कि नहीं देखना चाहिए। मानो मैं यहाँ मंदिर में आया, एक भक्त के अंदर कोई अवगुण देखा, मेरा ये अधिकार नहीं है कि उसको मैं कुछ कहूं। अगर मैं हित चाहता हूं संस्था का तो जो उसका जिसके निर्देश में वो काम कर रहा है उसको जाके कहना चाहिए कि मैं आ रहा था, मैंने देखा ये काम हो रहा था, ये लगता है संस्था के लिए अच्छा नहीं है, आप चाहो जो इस करो, मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने कह दिया मेरा काम खत्म हो। तो मैं उसके लिए दोष नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन मैं उसको सुधारना चाहता हूं तो ठीक है, लेकिन उसको गिराना चाहते हैं तो ये बड़ी बहुत बड़ी भक्ति में रुकावट है। और ईर्ष्या सबके अंदर, ये दुनिया में हम ईर्ष्या के कारण तो दुनिया में आज पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी ईर्ष्या क्या है कि भगवान क्यों भोगता है, हमको भोगता होना चाहिए, ये सबसे बड़ी ईर्ष्या है। हम भगवान छोटे भगवान बनने के चक्कर में बने हुए लगे हुए हैं कि हम ही भोगता हो जाए, ये सबसे बड़ी ईर्ष्या है। इसलिए ईर्ष्या को जड़ से निकालना चाहिए। हनुमान ने यह दिखाया कि ईर्ष्या को खत्म करना चाहिए। ईर्ष्या को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ईर्ष्या को खत्म कर सकते हैं, कहाँ रहती है ईर्ष्या? हृदय में रहती है। हृदय में ईर्ष्या रहती है और हृदय को पवित्र करना चाहिए। हृदय को पवित्र करने के लिए क्या साधन है? कहते राम हनुमान जी उड़ते जा रहे थे तो राम जी ने जो दिया था मुद्रिका, जो अंगूठी दी थी उसमें राम नाम लिखा था, वो कहाँ रखा हुआ था? उठा के जा रहे थे, कहाँ रखा था? मुख, मुद्रिका मुखमाई, मुखमाई मुख में मुद्रिका रखी हुई थी। तो जिसके मुख में राम नाम सदा रहेगा उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, तो ईर्ष्या आस्ते आस्ते समाप्त होने लगेगी।
तो मुख से सदा राम नाम लेना चाहिए। इसलिए महात्मा कहते थे, देखो माताओं भाइयों, आपको कानों में डालने के लिए तो बाले हैं, नाक में खोका है, आंख में काजल है, जीभा का कोई आभूषण आपको पता है? जीभा में कौन सा जेवर लगता है? राम नाम, ये जीभा का जेवर है। अब जीभा को, टंग को आपको डेकोरेट करना है तो इसके ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जीभा का आभूषण है। तो राम नाम हनुमान जी के हृदय में, जबान में तो है लेकिन हृदय में भी राम नाम है। ये राम नाम क्या है? साक्षात सीता राम हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। एक श्लोक भगवत गीता का, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में एक श्लोक आता है, मन गत मत था, मत चित मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंतस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसमें पहला शब्द है मद चित्ता। मद मतलब भगवान कहते हैं मेरा चित्त, चित्त का मतलब है जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ हो। वैसे चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस, एक चित्त चेतना कॉन्शियसनेस, इसका मतलब जो कृष्ण कॉन्शियस हो, जिस कृष्ण में मद की जगह पे कृष्ण आए या चेतना की जगह पे कॉन्शियसनेस आएगा, तो जो कृष्ण कॉन्शियस है, इसका मतलब ये हुआ असल। और चित्त को दूसरा अर्थ अगर हम ले, वैसे कभी लिखा हुआ ये मिलता है मन भगवान में लगा हो, मन कोई भगवान में लगा हो, तो मन भगवान में कैसे लगेगा? भगवान के मन की बात जो जानता हो और उसके अनुसार अपना जीवन चलाता हो, चेतना मनो अभिष्टम, चेतना महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जो जानता है, ये मन मना होगी। एक चित्त का अर्थ ये अगर लिया गया, चित्त को कहते हैं, चित्र का मतलब फोटो, ये सामने चित्र पड़े हैं ना, ये सब चित्र है, तो मद चित्ता का मतलब जिसके हृदय में मेरा चित्र सदा बसता है, जिसके हृदय में सदा भगवान कहते हैं मेरा चित्र बसता है। तो हनुमान ऐसे भक्त हैं जिसके हृदय में सीताराम सदा विराजमान है। और ये हनुमान जी का सबने सुना होगा कथा, जब वो माता सबको उपहार दे रहे थे राम जी के राज तिलक के बाद, तो सीता माता ने एक बहुत बहुमूल्य मणियों का माला हनुमान जी को दे दिया। हनुमान जी ने माला को देखा, वो नौलखा हार, वो एक ताने को तोड़ के देख रहे थे सीता को, लगा के है तो वानर, माला का मूल नहीं जानता है, मोती को तोड़ रहा है, बोला ये क्या कर रहा है बेटा, तोड़ के मैं देख रहा हूँ इसमें सीताराम है क्या, सीताराम नहीं है तो मेरे काम का नहीं है, भले 9 लाख का हो के हो या करोड़ों का हो। तो सीता ने कहा कि तो फिर तेरे हृदय में सीताराम है क्या? तो हनुमान जी ने ऐसे हृदय खोल के सीताराम का दर्शन कराया था। तो इसको कहते हैं मत चित्ता। वैसे भी भगवान कहते हैं कि मैं आपके हृदय में पहले से बैठा हुआ हूँ, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्ट, हम सबके हृदय में पहले से भगवान बैठे हुए हैं। हम क्या करते हैं, उस भगवान को भूल जाते हैं और दिल का एक और लॉकेट बना में उसके और किसी का फोटो लगा देते हैं। भगवान कहते हैं मूर्ख, में असली दिल में बैठा हूं, तो बाहर ही नया दुकान पाएंगे तो बोल ले, और पहले दिल के लॉकेट में जब छोटे बच्चे होते हैं माता पिता का फोटो लगाते हैं, क्योंकि वही खिलाते पिलाते हैं, और बस 18 के नजदीक पहुंचते हैं तो उसको डिलीट और फिर दूसरा फोटो जिससे प्रेम करते हैं उसका लगाते हैं। कुछ दिन चलता है, जब उधर से बच्चा पैदा होता है तो उसका निकाल के फिर बच्चे का फोटो लगाते हैं, और बच्चा जब लात मार के जाता है तब परेशान होते हैं, अब किसका लगाए, अरे अभी नाथ जी का लगाते हैं। तो जगन्नाथ जी कहते हैं अरे पहले से अंदर मूर्ख बैठा था तो इतना सारा परिश्रम किया क्यों, इतना कुछ करने की जरूरत थी, जो पहले से अंदर पड़ा है उसी को ठीक तरह से समझ लो ना। भगवान के चरण कमल सदा हृदय में धारण करके रखने चाहिए। तो हनुमान जी के हृदय में भगवान के चरण कमल है, मुख में भगवान जी का सुमरण है, इसलिए उसके हृदय में ईर्ष्या के लिए जगह ही नहीं है। ईर्ष्या का मतलब दूसरे व्यक्ति जिसको आप देखना नहीं चाहते, जिससे आप घृणा करते हो, जिसमें आप दोष देखते हो, उसका फ्री का स्पेस उसको अपने हृदय में देते हो,
में बिना बिना मसवाड़ के बिना किराए के उसको अपने दिल में जगा देते हो, ये कोई अच्छा काम है क्या? ईर्ष्या का मतलब जिसको न चाहते हैं उसको फ्री का स्पेस अपने दिल में दें, पर जहां भगवान बैठा है उधर की ब्रह्माश को बिठाने की जरूरत है क्या? और दूसरा इसका दोष ये है जिसमें ईर्ष्या देखेंगे ना वो अवगुण